For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Of Department of Nutrition, Pakistan Air Force Hospital Unit 2 and Nutrite by Islamabad Diagnostic Center FA1 में जैसे कि मैंने अपने पहले सेगमेंट में आप लोगों से शेयर किया था जिसमें मैंने इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफियत को उस पर फोकस करने पे उसको बिल्डअप करने के आपके कुछ तरीके बताए थे फिर मैंने सोचा कि अब आपको एक और चीज़ भी बताई जाए जिसमें आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड इसका इस्तेमाल आपको किस तरह हेल्प आउट करेगा कलौंजी जैसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत के अलावा कलौंजी में हर चीज़ का इलाज है तो जब इसके बारे में मैंने पढ़ा और मैंने देखा तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए आपको पता है जैसे कि कोरोना की सिचुएशन है और कोरोना में देखा जा रहा है कि जिनकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी है वो इस सिचुएशन में फाइट बैक कर पा रहे हैं और कलौंजी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प कर रही है तो सबसे पहले देखा जाए कलौंजी में है क्या कलौंजी में आपके पास फाइबर यानी मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड फाइबर जिनको कहा जाता है वो होता है फाइबर जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है न्यूट्रिशन में तरक्की हो रही है हम बार बार कहते हैं कि आप फाइबर का इस्तेमाल करें फाइबर ये है कि आपका क्या करता है कि वो आपकी डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है आपकी हाइपरटेंशन एस्मा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फाइबर आपको हेल्प आउट करता है तो आपने फाइबर को अपनी डाइट में ऐड करना है जो लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं आप ये बात याद रखिएगा इसका फाइबर आपकी बावल यानी कि आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को और आपके स्टूल की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है इसी तरह आपकी कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है इसमें वाइटामिन इसमें कैल्शियम है विटामिन के है पोटेशियम है सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट कर रही हैं उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका और क्या फ़ायदा है कलौंजी में होता है कैरोटीन कैरोटीन क्या करता है जो कि लिवर में जाता है और वहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में और विटामिन ए के आपके पास कैंसरस एंटी कैंसरस इफेक्ट्स है तो हम इसीलिए भी कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि जो कलौंजी है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है जहाँ जहाँ बॉडी में सोजिश होगी अगर आप उसको लेंगे तो आपको हेल्प आउट करेगा एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट यानी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में है तो उसको फाइट बैक करने में आपको हेल्प आउट करेगा आपकी मेमोरी के इश्यूज़ हैं उसको बेहतर करता है इसी तरह एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन इसका इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं दमे की सूरत हाल में या पोलन की सीजन में मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर पेशेंट्स को है तो वो कलौंजी का इस्तेमाल अपनी डेली डाइट में ज़रूर रखें जहाँ बार बार कलौंजी आपके खानों में भी ऐड हो सकती है आपको पता है हम इसको एज ए स्पाइस भी इस्तेमाल करते हैं मैं ये कहती हूँ कि एक चम्मच शहद छोटा चाय का चम्मच शहद उसमें एक चौथाई कलौंजी के दाने उसको मिक्स करके बेशक चबा के आप ले लें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सो, आज के सेशन का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि कलौंजी के क्या इफेक्ट्स हैं कलौंजी आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती है और कलौंजी का इस्तेमाल आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अपनी डाइट पे फोकस करें ईट हेल्दी स्टे हेल्दी इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी हाफिज़